मेजबान शायरों का सिलसिला ख़त्म हुआ, अब जिगर थाम के बैठो, बारी हमारी आई। आपके और हमारे मकबूल महबूब मनकबत ख़ान शायर, बल्कि मनकबत की दुनिया का सिक्का राइजुल वक्त। मेरी मुराद मीर हसन मीर से है, तशरीफ़ लाएं बारगाहे कायम आले मोहम्मद में, अपना मंजूम नजराने अकीदत पेश करें। मिलके सलवात पढ़ेगा बावाज़े बुलंद। आपकी खिदमत में ईद अकबर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरकार का नजूल, सरकार का जहूर, सरकार का नजूल, सरकार की आमद, आपके आप तमाम मोमिनीन को, आपके गुज़िश्तगान को, आपके आने वालों को सबको मुबारक। दुआ करता हूँ जैसे कि क़िबला अब्दुल क़ासिम साहब ने फरमाया, मौला इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखें और उलमाए हक्का का साया हमारे सरों पर सलामत रखें। जैसे कि क़िबला फरमा रहे थे कि सदारत, हर साल ही हम ये दुआ करते हैं कि अगली बरस सदारत सरकार की होगी तो हम ये जश्न बर्पा करेंगे, बफा करेंगे। चले आए दुआ करते हैं मालिक अगले बरस से पहले ही, और बहुत सारी ईदें आने वाली हैं, गदीर भी आएगी, उसके बाद आशूरा भी होना है, उसके बाद सारी ईदें हैं, तो मालिक जिस कदर जल्दी हो सके आप तशरीफ़ ले आएँ। तमाम मकामात मुकद्दसा की सलामती के लिए, तमाम मोमिनीन की, तमाम उलमा की, तमाम मज़ेदारों की हिफाजत, सेहत व सलामती के लिए, तमाम गुज़िश्तगान के शुहदा के बुलंदी दरजात के लिए, बिलखसूस उस्ताद सिप्त जाफ़र ज़ैदी साहब के बुलंदी दरजात के लिए, हाज़रीन के तमाम मरहूमीन जो गुजर गए हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है हम पर उन मरहूमीन का कि जिनकी बदौलत आज हम जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं, चाहे वो मेरे बड़े हों या आपके बड़े हों, साहिब खाना भाई अकबर के, तमाम गुज़िश्तगान उनके खानवादे के जो हैं, उन सब के बुलंदी दरजात के लिए, और ख़ास तौर पर सरकार के ज़हूर में ताजील के लिए मिलकर बावाज़े बुलंद गाएं सलावात। एक और बुलंद तरीन सलावात भेजिए आप। मालिक मुझसे पहले पढ़ने वाले तमाम मेरे दोस्त अहबाब जूनियर सीनियर सबकी नौकरी अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। भाई अकबर का ये जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की महफिल का सजाना अपने दरबार में मौला कबूल मंजूर फरमाए। इनके घर पर अपनी रहमत व बरकात का नज़ूल फरमाए। और एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ अपने बिरादर अजीज़ जनाब अली हुसैन भाई का के, जिनके वसीले से मैं और आप, यानी मुझे आप सब मोमिनीन की ज़ियारत नसीब हुई। मौला इन्हें सलामत रखें, इनके वालदा के दर्जात और बुलंद हों, वालिद को सेहत सलामती अता हो। क़िबला बहुत दिन हो गए ये भाई इमरान मुझसे नाराज़ हैं, ये मुस्तकिल मुझे दो जश्न में कुछ ना कुछ हुक्म देते आए हैं और मैं टालता आया हूँ, लेकिन आज नहीं हो सकेगा क्योंकि आज आखिरी ड्यूटी है इस सफ़र की, बशर्ते ज़िंदगी बाकी जो शहज़ादी ने मेरे मौला ने लिखा है होना वही है, तो जब वो चाहेंगे तो हाजिर होऊंगा, नहीं तो उस जहान में तो मुलाकात होगी मेरे मौला के साथ इंशाअल्लाह। तो मैं चार मिसरे
بلکہ اس سے پہلے میں 15 شعبان کا آغاز کرتا ہوں. بس مجھے اچھا ایک دشواری ہمیں یہ قبلہ کہ پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے کون سا کلام پڑھ دیا گیا یا نہیں پڑھ دیا گیا نہیں پڑھا گیا, تو مجھے نہیں معلوم شدت درد کو اگر کسی نے پڑھا ہے, کسی میرے بھائی نے. چلے میں اپنی پسند کے دو شعر آپ کے نظر کرتا ہوں بھائی, اگر آپ کی اجازت ہو. سارے مولا آپ کو سلامت و آباد رکھیں اس عید کے طرف صدقے میں, اس دن کے صدقے میں آپ سب کے مرادیں پوری ہوں. آپ سلامت رہیں. آباد رہیں. علی حضور جی ہیں آپ سلامت. شدت درد نہیں رہنے دیتا. قبلہ خاص کر آپ کے دونوں اشعار آپ کے نزد خاص طور پر. شدت درد کو یکسر نہیں رہنے دیتا. بھائی آپ سب جانتے ہیں تکان ہے مسلسل, رات بھی وہاں ڈیوٹی تھی, آج یہاں ڈیوٹی ہے, پھر اس کے بعد صبح پھر میں جانا ہے. بہرحال میں حاضر ہوں. اب یہ مائک جس قدر ساتھ دے رہا ہے نہیں دے رہا, آپ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا. آپ سلامت ہیں میرے بھائی. آپ سلامت رہیں میرے بھائی. مجھے یقین ہو گیا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. آپ جی آل محمد آپ کے ساتھ ہوں. شدت درد کو یکسر نہیں رہنے دیتا. آپ کی طرف سے یہ مطلب کہ شدت درد کو یکسر نہیں رہنے دیتا. ارے میرا مولا مجھے مستر شدت درد کو یکسر نہیں رہنے دیتا. میرا مولا مجھے مستر نہیں رہنے. چل میں ترتیب بدل لیتا ہوں, یہ شعر میں بعد میں پڑھتا ہوں, یہ پہلے پڑھ رہا ہوں. اتنا خوبصورت آپ سب سنتے ہیں شعر, آپ کی نظر کر رہا ہوں. اکبر بھائی مہدی بھائی قبلہ سے معاف فرمائیے. کہ ابھی جاؤ اے دل نرجس خاتون کے پر. محسوس کیجیے گا مصرع حاصل کر رہا ہوں. ابھی جاؤ محمد اللہ
और अब सोच रहे हो कि मैं भी जिंदा हूँ, अरीजा भी मेरा जिंदा है। जिंदा इमाम के मानने वाले हैं उससे निस्बत जिस शहर में है जिंदा है कि मैं भी जिंदा, मैं भी जिंदा हूँ और ईसा भी मेरा जिंदा है। अरे मैं भी जिंदा हूँ और ईसा भी मेरा जिंदा है। अरे मुर्दा चीजों को समंदर नहीं रहने देता। और अपना और तमाम जाकिरान अहले बैत का हाल इस शेर में हाजिर कर रहा हूँ। क़िबला के कितने मासूमों के आने की खबर लाया है। कितने कितने मासूम, कितने मासूम के खबर लाया माहे शाबा मुझे घर पर یہ خلوص ہے اور یقیناً یہ بانیان کی اور آپ سب کے خلوص ہے کی برکت ہے، نیت ہے کہ جو ایک کیفیت سی اس میں طاری ہو جاتی ہے، اور یقیناً یہ معصومین کا کرم ہے اور یقیناً ان کی موجودگی ہے۔ دعا کریں ان کے صدقے میں، ان کے نالین کے صدقے میں جو مومن عزادار دل میں جو حاجت لے کے بیٹھا ہے بیوی سے پورا فرمائیں۔ علی مولا، علی مولا، جی بھائی، جی پھر صاحب دوبارہ ماہ شعبان مجھے کتنے معصوم، آپ کے کیا کہنے، آپ جیت رہی ہے، یہ جو داد آپ نے دیے نا یہ اس کے کیا کہنے۔ یہ جب استاد محترم شہید سپتے جعفر زیدی صاحب پڑھ رہے ہوتے تھے تو بہت دیر باتیں کرنے کے بعد اس کے بعد وہ اسی طرح اسی اسکیل پر اسی سر پر واپس آتے تھے تو یہ داد ملتی تھی۔ آپ سلامت رہے کہ کتنے معصوم کی آمد کی ماہ شعبان مجھے گھر پر نہیں رہنے،
भाई एक मन खबर मेरी मर्जी से सुन लीजिए, उसके बाद में आपका एक जागती हुई सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। सरकार का दिन है, सरकार से मंसूब दिन है, सरकार के आने के बाद होना क्या क्या है उसके मैं दो चार अशार आपकी नजर करता हूँ, फिर उसके बाद एक और मनकबर सरकार के हवाले से ही कि सरकार यानी उसके बाद सरकार के अख्तियार पर ही फोकस हो चुका करता हूँ।
तेरा रजब को मुस्कुराया था फकत तेरा रजब को मुस्कुरा उठे जो आपके क्या कहने मेरे भाई आपके आने के बाद और वो नमाजी वो मुसैनी और वो है मातमी ظہور امام زمن بلند تر آپ کا معیار سماعت کے کیا کہنے ہیں آپ کے ہر منقبت میں یہی سوچتا ہوں کہ میں دو چار شیر پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں گا آپ اتنے اچھا سن رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میں خیانت کر رہا ہوں اگر آپ کو شیر نہیں سنا رہا ہوں آپ جو کہہ دیں گے مولا بس وہی ہو جائے گا آپ جو کہہ دیں گے مولا بس وہی ہو جائے گا ارے کیسا مفتی کیسا فتوا Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Oh,
खामोश हूँ, वो भी खामोश है।
मेरे मौला मेरे मौला मैं कुर्बान तेरे इश्क के सिद्दे जाफर को भी शायर तमाम शहदा बिलखसूस उस्ताद मोहतरम जनाब शहीद नासिर अब्बास शहीद फाजिल अलवी शहीद मोहसिन नकवी शहीद इरफान जनाबती और जो मौला का जाकिर रजादार या चाहने वाला होता है इस दुनिया से इस जुर्म के सिले में गुजार दिया गया या मार दिया गया या गुजर गया उन सब के बुलंदी दर्जात के लिए मिलकर बावाज़ बुलंद नारा इस्लाम बात निकलती है तो कहाँ से कहाँ चली जाती है। आप जी मेरे भाई आप जी ये वक्त हमारा बहुत तेजी से गुजर रहा है। मेरे भाई या मेरे मौला असल में वो मखसूस है मखदूम आलम की नुजूल से ज़हूर से मंसूर है वो मनकबर आपने अब कहा है तो दो तीन शेर सुन लीजिए मैं बीबी के बारगाह में जरूर हाजिर कर देता हूँ। कुल नज़र कायनात है ज़हरा के हाथ में आप सलामत रहो मखदूम आलम आपसे राजी हूँ आप सलामत रहे आपके तवस्सुल से बीबी की बारगाह में मैं अभी तक हाजिरी नहीं दे सका था ये दो तीन शेर हाजिर कर रहा हूँ। जरा के हाथ में देखिए इतना बड़ा दावा किया भाई मेरे तकंदम ने दूसरे मिसरे में इसकी दलील भी दी है बोला और कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में कुल 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 नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में रिश्ते खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में आपसे बेबी आपसे राजी हो कायनात है ज़हरा के हाथ में क़िबला रज़ीब पहुंच गई अब शेर हाजिर कर रहा हूँ के अल्लाह ने मंगा ली भाई मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ रहा हूँ देखिए आप बहुत दूर दूर से आए होंगे लेकिन इस वक्त मैं ज्यादा दूर से आया हूँ और आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ। माशाल्लाह आज का दिन इतनी बड़ी ईद है आज और मैं मौला की बारगाह में ना तो अपनी थकान या तबीयत की वजह से छोड़ी है कमी नहीं कर सकता। मौला आपको आवाज रखे आप जाने और मौला जाने मैं जानू और मौला जाने और अल्लाह ने मंगा ली सरे
रोटियों का शेर याद रखिएगा, मैं शाम में फिर आपको हाजिर करूंगा भाई के हुक्म की तामील में। अल्लाह मंगली सरे रोटियां, अल्लाह ने मंगली सरे रोटियां, कोई तो ऐसी बात कहने लगे हुसैन ये रुमाल बांध कर कहने कहने लगे हुसैन ये रुमाल बांध कर कि जा 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 और तेरे निजात है ज़हरा के हाथ में। आपके क्या कहने में आप आवाज में आलिम मोहम्मद आपके घर आवाज आपका।